जनपद कन्नौज के छिबरामऊ तहसील में दिनांक 20/9/2019 को एक अधिवक्ता महोदय द्वारा एक महिला लेखपाल से ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर जबरिया रिपोर्ट लगाने का प्रयास किया गया, जिसकी जांच हेतु समय मांगने पर घोर विरोध करते हुए मारपीट पर उतारू हो गए और दिनांक 20/9/19 को छिबरामऊ तहसील के सभागार में अधिवक्ताओं द्वारा एकजुट होकर के हमारे लेखपालों के साथ मारपीट किया गया और एक FIR भी दर्ज कराया गया, जिसके विरोध में हमारे जनपद कन्नौज के लेखपाल जनपद मुख्यालय पर जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के सामने धरना दे रहे थे कि हमारे साथ जांच करा करके न्याय कराया जाए। उस बीच एकजुट होकर के करीब हजारों की संख्या में अधिवक्तागण द्वारा डंडा लाठी से लैस होकर के धरनारत लेखपालों पर हमला कर दिया गया। तमाम लेखपालों के प्राण घातक हमले हुए, कई लेखपाल जख्मी हैं, वह हॉस्पिटलाइज हैं, महिला लेखपाल भी हॉस्पिटलाइज हैं। इसी बिंदु को लेकर के हम लोग पूरे प्रदेश में धरना चला रहे हैं कि इसकी जांच हो और जांच हो करके न्याय हो। और हमारे सबसे बड़ा दोषी तो हमारा जिलाधिकारी कन्नौज का है, जो जिलाधिकारी है जिसके नाक के नीचे धरना चल रहा था। घटना उसके पूर्व में 20 तारीख को हुई थी, उसके बाद भी उसने सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं कराया और इसका परिणाम इतना भयंकर हुआ कि आज 20 लेखपाल वहाँ अपने जीवन मृत्यु से जूझ रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हैं। स्थिति बड़ी भयावह है। हमारे कन्नौज के सारे साथी त्याग पत्र दे चुके हैं कि ऐसे जिलाधिकारी महोदय के साथ काम नहीं किया जाएगा। यह हमारी मुख्य मांग है कि जिलाधिकारी महोदय को हटाया जाए, कन्नौज की घटना को, छिबरामऊ की घटना को जांच कराई जाए, दोषी के खिलाफ कार्रवाई किया जाए, फर्जी FIR जो लॉज किया गया है उसको स्पंद किया जाए या निरस्त किया जाए। यह हमारी मुख्य मांगें हैं।